ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशि और आप देख रहे बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल बजाज फाइनेंस। पिछले 3 दिन से लगातार रॉकेट बना हुआ है। इस रॉकेट वाली चाल में हम क्या अभी खरीदारी कर सकते हैं या हमें वेट करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या इसके टेक्निकल है, क्या इसके फंडामेंटल है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एक्सेलेंट क्वालिटी का स्टॉक है, एक्सेलेंट क्वालिटी में मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 33.93%, आप इसकी EBIT ग्रोथ देख लीजिए 35%, आप इसकी नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए 3.22, जो कि ये आम बात है एक NBFC और बैंकिंग स्टॉक में। वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो भी वैल्यू 1717 के ऊपर होगी ये इसको वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में डालेगा। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 49.04 है, आप इसकी EV/EBITDA रेशियो देख लीजिए 70.47 है, आप इसकी डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 0.12 है, आप इसकी ROCE देख लीजिए 30.62 है, आप इसकी ROE देख लीजिए 19.89 है। अब हम इसके रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। पिछले 10 साल में आप इसका रिटर्न देख लीजिए 36,000%, पिछले 5 साल में आपका रिटर्न देख लीजिए 1769%, पिछले 3 साल में रिटर्न देख लीजिए 325%, आप इसका पिछले 1 साल का रिटर्न देख लीजिए नियर अबाउट 60%, आप इसका टुडे का रिटर्न देख लीजिए 6% आज भाग चुका है। पिछले 3 दिन से लगातार ये रॉकेट बना हुआ है। अब हम इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। नेट सेल्स आप इसकी देख लीजिए 6.69% की एक बेहतरीन जंप, आप इसका नेट प्रॉफिट देख लीजिए 11% की एक बेहतरीन जंप, आप इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए 1.74% की एक बढ़िया जंप, आप इसका एनुअल रिजल्ट भी देख लीजिए, नेट सेल्स देख लीजिए आप 45% की बेहतरीन जंप, आप इसके नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए 60% की जंप, एक साल में 60% की जंप आई हुई है नेट प्रॉफिट में, आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख लीजिए 2.88% की एक बेहतरीन जंप। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। चलिए तो चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। प्रमोटर के पास 55.17% की एक बेहतरीन होल्डिंग है, आप इसमें FIS की होल्डिंग देख लीजिए 20.67% की होल्डिंग है, आप इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लीजिए 7.17% की एक बेहतरीन होल्डिंग है। प्रमोटर ने अपने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखी है, जो कि एक बढ़िया बात है। आप इसमें हाईएस्ट प्रमोटर देख लीजिए बजाज 300, इसी की ग्रुप की एक कंपनी है बजाज 300, ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। अब हम इसके चार्ट की ओर तरफ जाएंगे, चार्ट में देखते हैं कौन से टेक्निकल पे बाई करना है, कौन से टेक्निकल पे सेल करना है। चलिए देखते हैं चार्ट पे। अब हम बजाज फाइनेंस के चार्ट के ऊपर आ गए। आप देखिए लगातार 3 दिन से ये अपसाइड दिखा रहा है, देखिए ये 3 ग्रीन कैंडल एकदम बढ़िया अपसाइड दिखा रहा है। जो इसकी ये रेजिस्टेंस लाइन है वो आगे जाकर 3500 के लेवल पे मिलती है। चलिए देखते हैं आगे जाके ये 3500 का लेवल अचीव करती है या नहीं। अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई की ओर जा रहा है, अभी लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। चलिए देखते हैं ये जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है उसको टच करती है कि नहीं, आप हमको कमेंट करके बताना ये जो ये रेजिस्टेंस लाइन है वो 3500 वाले उसको ये टच करेगी या नहीं। अभी ये जो बाकी का नीचे की ओर जो सपोर्ट मिल रही है वो 2 लाइन मिल रही है, ये जो ऑरेंज लाइन की 2 लाइन है वो पहले सपोर्ट है और जो ये दूसरी लाइन है ये दूसरी सपोर्ट है। हालांकि पहला सपोर्ट है 2978 और जो दूसरा सपोर्ट है 2842, लेकिन अभी ये इस लाइन पे ऊपर जाके कहीं इस लाइन पे मिले तो एक बेहतरीन बाय अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि 2900 और 2800 के बीच में होगी। अगर ये उससे भी नीचे इधर कहीं मिल जाए तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। आपको भी अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी हो, किसी स्टॉक के बारे में जानना हो, एनालिसिस करना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।